presented by Maurya Samrat Group in the association with the Career Hub. Online math classes with Amal Sir, the artist of result. मेरे प्रिय छात्रों, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों के बीच कुछ सिर एवं पैर पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपको कुछ वस्तु या जानवर पर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर में काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम प्रश्न पर लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर है, है ना। अगर इनका सिर गिना जाए तो कितना है, 60 है, 60 है, एवं पैर गिना जाए तो 176 है। तो क्वेश्चन बनेगा दो गो। पहला बनेगा कि चूहा की संख्या क्या है, दूसरा बन सकता है कि कबूतर की संख्या क्या है। चलिए हम क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, किस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। क्वेश्चन है कि कुछ चूहा है, कुछ कबूतर है और है कितना, 60। चूहा की संख्या और कबूतर की संख्या मिलाकर है 60। तो हम थोड़ा देर के लिए मानेंगे कि सभी चूहे हैं, सभी क्या है, चूहे हैं। तो अगर हम सभी चूहे मानेंगे और 60 चूहे मानेंगे तो एक चूहा का 4 पैर होता है, तो यहाँ पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। लेकिन हम अगर सोचेंगे कि सभी अगर कबूतर हैं, सभी कबूतर हैं, यानी 60 कबूतर हैं, कबूतर का होता है 2 पैर, इसका मतलब कि यहाँ कितना पैर हो जाएगा, 60 दूनी 120 पैर हो जाएगा। यहाँ आया 240 पैर, यहाँ आया 120 पैर, लेकिन ना ही क्वेश्चन में 240 पैर दिया है और ना ही 120 पैर दिया है। क्वेश्चन तो कहता है कि यहाँ पैरों की संख्या क्या है, 176 है, एवं पैरों पैर गिना जाए तो कितना है, 176 है। पैर की संख्या तो क्वेश्चन में दे रखी है 176। अब देखिए यहाँ आया 240, यहाँ आया 120 और क्वेश्चन कहता है कि नहीं 176 है। तो अब हम एलिगेशन मेथड को लगाएंगे। एलिगेशन कहाँ लगता है, जब बीच वाला संख्या एक से छोटा और एक से बड़ा हो तब एलिगेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तब हम क्या करेंगे कि इस एलिगेशन मेथड को लगाएंगे। कैसे लगाते हैं एलिगेशन, देखिए इसका और इसका अंतर लिखेंगे यहाँ, फिर इसका और इसका अंतर लिखेंगे यहाँ। तो 240 और 176 का अंतर होता है 76, 4, 80, 20, 24, इधर 40, इधर, इसका मतलब कि कितना, 64। और इसका इसका अंतर निकालेंगे तो 76 और 50 का अंतर होता है, 76 और 120 का अंतर होता है 56। यानी कि यदि 56 चूहे हैं तो कबूतर कितने हैं, 64 हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में तो दोनों को मिला के संख्या 60 ही दिया था और यहाँ तो काफी आ गए, तब क्या करेंगे कि इनको आधा कर देंगे। आधा करके चेक करेंगे कि क्या मेरा यहाँ 60 आ जाता है, तो हाँ 56 का आधा होता है 28, 64 का आधा होता है 32, और अगर हम 28 और 32 को ऐड करें तब हो जाता है कितना, 60। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में, इस चिड़ियाघर में चूहों की संख्या जो है 28 है एवं कबूतर की संख्या जो है 32 है। काफी आसानी से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेकर। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक जंगल में कुछ बाघ एवं कुछ चील है, है ना। हमको पता है कि बाघ का 4 पैर होता है एवं चील का 2 पैर होता है, और सिर तो एक ही होता होगा चाहे बाघ हो चाहे चील हो। क्वेश्चन कहता है कि अगर सिर गिने जाए तो 70 है, सिर गिने जाए तो कितना है, 70 है। तो हम क्या सोचेंगे कि 17 बाघ है, अब फिर कुछ देर के लिए सोचेंगे कि 17 क्या है, चील है। तो बाघ का 4 पैर होता है एवं चील का 2 पैर होता है, होता कि नहीं होता है, बोलिए। हाँ अब देखिए 70 में 4 से गुना करेंगे तो 280 पैर निकल कर आएगा, और 70 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 140 पैर आएगा। अगर हम सोचें कि सारा के सारा बाघ है तो कितना पैर होगा उसका,
280 पैर होता। अगर हम सोचेंगे कि सारा का सारा चील है तो कितना पैर होता, 140 पैर होता। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ना ही 280 पैर है और ना ही 240 पैर है, सॉरी 140 पैर है। क्वेश्चन कहता है कि नहीं, जो पैर की संख्या है वो 220 पैर है। तो फिर हम क्या करेंगे, एलिगेशन को लगाएंगे। देखिए 280 से एक बार छोटा हो रहा है 220, और एक बार 140 से बड़ा हो रहा है। जब भी छोटा बड़ा का कॉम्बिनेशन दिखे तो हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड को लगाएंगे। 280 और 220 का अंतर कितना होता है, 60 होता है। 140 और 220 का अंतर कितना होता है, 80 होता है, है ना। तो अगर हम देखें कि बाघ की संख्या 80 है एवं चील की संख्या 60 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। लेकिन संख्या कितना है, 70 ही है। तो इसको हम क्या करेंगे कि कटा देंगे, दो से भाग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 40, 80 का आधा 40, और यहाँ हो जाएगा 60 का आधा 30। अब देखिए, अब जो है क्लियर दिख रहा है कि बाघ की संख्या 40 एवं चील की संख्या 30, और दोनों के संख्या मिला दिया जाए तो 40 और 30 कितना, 70 मुड़ी हो जाएंगे, यानी 70 सिर हो जाएंगे। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सर बाघ की संख्या जो है 40 है एवं सिर की संख्या 30 है। हम चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, हाँ घर बढ़ाएंगे नहीं, हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम निकाल के लाए 40 बाघ, तो हम कह सकते हैं कि सर बाघ का 4 पैर होता है, और 40 को यदि बाघ है तो इसका पैर हो गया कितना, 160, और 30 चील निकल कर आया है और प्रत्येक चील का 2 पैर होता है, तो कह सकते हैं कि सर यहाँ पैरों की संख्या होगी 60, 30 दूनी 60। तो इसको हम जब ऐड करेंगे 0, 6, 6, 12, 1 और 1 = 2, 220 पैर जो कि क्वेश्चन में दिया है, है ना। हम चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए इसी पर आधारित हम एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए उसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक पार्किंग में कुछ कार एवं कुछ बाइक हैं। क्या था, कुछ कार था एवं कुछ बाइक है, है ना। पार्किंग वाला ने बताया कि कुल वाहनों की संख्या 120 है। कुल वाहनों की संख्या कितनी है, 120 है, लेकिन पहिए की संख्या 330 है। पहिए की संख्या कितनी है, 330 है। तो क्वेश्चन कहता है कि कार की संख्या क्या है एवं बाइक की संख्या क्या है। देखिए कुछ देर के लिए हम क्या मानेंगे कि सभी क्या हैं, कार हैं, मतलब 120 क्या है, कार है, और एक कार में कितना पहिया होता है, 4 पहिया होता है। तो बताइए पहियों की संख्या कितना आ गया, 12, 4, 48 और 1, 0, 480 पहिया आ गया। अब देखिए कुछ देर के लिए माना जाए कि टोटल क्या था, बाइक था, टोटल कितना, 120, और तो बाइक, एक बाइक का कितना पहिया होता है, 2 पहिया होता है। तो अब पहिए की संख्या निकल कर आया कितना, 12 दूनी 24 और 1, 0, यानी 240 पहिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ना 480 पहिया है और ना ही 240 पहिया है। पहिया है कितना, 330 है, 330 पहिए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एलिगेशन मेथड को लगाएंगे। एलिगेशन मेथड मतलब होता है क्रॉस मेथड, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर इधर से चलेंगे यहां, फिर यहां से यहां। अब इसका इसका अंतर निकालेंगे, 330 और 80 का अंतर होता है 70 और 80, मतलब कि 150, और 240 और 330 का अंतर होता है 60 और 30 90, है ना। अच्छा सर आप तो आप कहना चाहेंगे कि बार बार आप इसको 2 से डिवाइड करके और आंसर को ला दे रहे हैं, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसका भी उपाय है, हम सीधे डिवाइड किए बिना इसका रेशियो निकालेंगे कि हाँ कार की संख्या एवं बाइक की संख्या का अनुपात क्या है। तो 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, और ये जो 9 है 3 से कटाएंगे तो तितिरी का 9, 3 × 5 = 15, यानी 3:5 आ जाएगा। अब कहेंगे कि देखिए अगर अगर कार की संख्या 3 है तो बाइक की संख्या कितनी है,
पांच है, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, तीन और पांच आठ, टोटल पहिए टोटल कितने वाहन है, आठ वाहन है। तो टोटल आठ वाहन हम निकाल के लाए। अब क्वेश्चन कहता है कि वाहनों की संख्या कितनी है, 120 है, तो हम यहाँ देखेंगे कि आठ यूनिट का वैल्यू आया 120, तो इसको हम कटा देंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे 120 बटा में आठ, पंद्रह आठ है 120, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 15 × 3 = 45 कार, और यहाँ आ जाएगा 15 × 5 = 75 क्या, बाइक, है ना। ये 45 कार आंसर हो गया, यहाँ 75 बाइक आंसर हो गया। पहले हम क्या करते थे, सीधे इसको आधा करते थे, 90 का आधा कितना 45 और 150 का आधा कितना 75, और आंसर कर देते थे। क्यों, क्योंकि 45 और 75 को जोड़ने पर मेरा 5 × 5 = 10 = 0 = 1 = 7 = 4 = 11 120 वाहन टोटल यहाँ दिख जाता था, है ना। तो अगर नहीं भी दिखे इसका आधा करने पर तो फिर से आधा करेंगे, फिर भी नहीं दिखे तो क्या करेंगे, हम ये मेथड को लगा देंगे, और ये मेथड जो होता है बेस्ट मेथड होता है, यूनिट मेथड। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए उस क्वेश्चन का देखिए, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है, एक कस्बे में कुछ गाय एवं कुछ मुर्गियां है, यदि इनके सिर गिने जाए तो 80 है। इसका मतलब यह है कि कस्बा में कुल जानवरों की संख्या कितना है, 80 है, गाय एवं मुर्गी को मिलाकर कितना है 80 है, एवं पैर गिने जाए तो कितना है 260 है। इसका मतलब यह है कि जितना गाय का पैर होगा जितना मुर्गी का पैर होगा दोनों को ऐड करके कितना होगा 260 होगा। तो आप बताइए कि कस्बे में गायों की संख्या एवं मुर्गियों की संख्या क्या है, है ना। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज जितने भी छात्र होंगे जो अपने शहर में गांव से नहीं आ सकते हैं कोचिंग के लिए क्लास के लिए, उनको ये चीज जान के बहुत खुशी होगी। ये चीज जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हो सकता है कि आगे के एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, तो उन लोगों को काफी फायदा होगा। इसलिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स में आंसर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।